बताया कि मनकापुर से अयोध्या रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या से रायबरेली के लिए नई रेल लाइन बनेगी जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु सुविधापूर्ण अयोध्या पहुंच सके, यह व्यवस्था रेल मंत्रालय कर रही है। भरत की तपोस्थली के कायाकल्प के लिए सरकार से मंजूर 41 करोड़ रुपये हुए हैं। अयोध्या में जितने रेलवे स्टेशन बनेंगे, जितने भवन बनेंगे, सब राम मंदिर मॉडल के आकार के होंगे। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2000 स्टेशनों का संपार का और आरओबी का शिलान्यास और लोकार्पण 40 करोड़ रुपए का किया है। अयोध्या में 5 स्थानों पर यह लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। दर्शन नगर, रामघाट हाल, टेढ़ी बाजार का आरओबी और हलकारा कपूरवा आरओबी और एक संपार जो है चौरे बाजार के पास है, वहाँ का यह शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। अयोध्या जनता की तरफ से, पूज्य साधु संतों की तरफ से, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं और भविष्य में अयोध्या रेलवे स्टेशन के कैंट, अयोध्या कैंट स्टेशन का पुनर्निर्माण और अयोध्या से प्रयागराज का दोहरीकरण, बनारस से लखनऊ का तेहरीकरण जो है भविष्य में स्वीकृत हो, इसके लिए प्रयासरत हैं निरंतर। साथ ही साथ अयोध्या से लेकर रायबरेली तक नई रेल लाइन का काम भी अगले वर्ष शुरू हो जाएगा, उसका जो है सर्वे हो चुका है। साथ ही साथ मनकापुर से लेकर अयोध्या तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण स्वीकृत हो चुका है, जिस पर भी काम शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर अयोध्या दुनिया का सुंदरतम नगर बने, स्वच्छ नगर बने। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रेल के द्वारा सुविधा प्राप्त हो सके, एक कोने से दूसरे कोने तक यहां श्रद्धालुओं को लाया जा सके, ले जाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आप सब लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट फेज शुरू हो गया है, सेकंड फेज पर भी काम शुरू हो गया है और अयोध्या रेलवे स्टेशन का फर्स्ट फेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। सेकंड फेज भी शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। कुल मिलाकर के अयोध्या को चारों तरफ से सुविधा उपलब्ध कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है।